तो अभी इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे। आज का हम जो लेसन पढ़ेंगे वो है हमारा हाउ, ये हो जाएगा डू, वी ईट, हु ड, क्या हो गया हाउ डू वी ईट फूड, हम जो है कैसे खाना खाते हैं। पढ़ने स्टार्ट करते हैं, वी ईट डिफरेंट kinds of food, some food items can be eaten raw while others have to be cooked to, इसको पढ़ेंगे मे और का, क्या हो जाएगा मेक, टी एस को मैंने कहा था दा पढ़ेंगे दे और मा, देम सो ओफा अट्टा, क्या हो गया सॉफ्ट, एंड ईट इट ओवल इटेबल, बी eat some edibles without cooking fruits, nuts and vegetables such as radish, carrot, cucumber, cabbage and onions can be eaten raw. We should wash means that, अभी इसकी मीनिंग बता दूंगा, wash the, इसको पढ़ेंगे fruit, ta or sa, fruits and vegetables b of four or before b e or t them all grains लाई पढ़ेंगे के को कहा पढ़ेंगे लास्ट में ई आता है पढ़ते नहीं है क्या हो जाएगा लाइक डब्ल्यू को वी और ट वी च राइस पल फिश पल्सेस आर कुक्ड बिफोर ईटिंग मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर ऑल्सो cooked cooking food is important as it kills the germs inside the food it makes the food easily
सॉफ्ट एंड टेस्टी इन, और पढ़ेंगे डर ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू टेस्ट एंड फ्लेवर। देखिए ये यू को आ पढ़ेंगे, यू का फ्ले व आर फ्लेवर टू द फूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंग्रे। देखो इंग्रे इंग्रे डी एन आ इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड। अब देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है। देखा देखिए बी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, बी ईट मीन्स होता है हम खाते हैं, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग काइंड ऑफ द फूड, हम अलग अलग खाने को खाते हैं। सम फूड सम मीन्स होता है कुछ, फूड मीन्स खाना, आइटम्स मीन्स होता है जो खाने में आइटम बने होते हैं अलग अलग। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन, कई फूड आइटम जो है हम खाते हैं रॉ, रॉ मीन्स होता है कच्चे, ठीक है। वाई मीन्स होता है जबकि, अदर्स पढ़ेंगे और द रास्ता क्यों हो जाएगा अदर, अदर से हैव टू बी कुक्ड टू मेक, तो अगर इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं पकाते हैं बनाते हैं, टू मेक बनाते हैं दे मतलब उन्हें सॉफ्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं एंड इटेबल, इटेबल का मतलब खाने के योग्य जिसको हम खा सकें। बी ईट हम खाते हैं सम मतलब कुछ, इटेबल हम कुछ खाने योग्य जो चीजें हैं फूड है, विदाउट मतलब बिना कुकिंग, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बिना पकाए बिना कुक किए खाते हैं। फ्रूट्स हैं जिनको हम बिना पकाए खाते हैं, नट्स हैं एंड वेजिटेबल्स भी हैं जो रॉ खाते हैं कच्ची खाते हैं, सच ऐसा रेडिश, रेडिश है हम उसको ऐसे ही खा लेते हैं, मूली कैरेट है, कुकुम्बर है, कैबेज है एंड ऑनियंस, ये कई वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम बिना कुकिंग किए खाते हैं यानी कि कच्ची खाते हैं रॉ। कैन बी ईटन खा सकते हैं रॉ यानी कि हम इनको कच्ची खा सकते हैं बिना इनको बनाए। बी शुड हमको चाहिए वॉश द फ्रूट्स, अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं वॉश भी होता है धोना, तो बी शुड हमको चाहिए वॉश द फ्रूट्स, हमको फ्रूट्स को धोना चाहिए एंड और वेजिटेबल सब्जियां, बिफोर मीन होता है पहले, बी ईट देम अगर हम सब्जियों को भी खा रहे हैं तो खाने से पहले हमको उनको धो लेना चाहिए। ऑल मीन्स होता है सभी, इसको पढ़ेंगे ग्रे ना सा ग्रेन लाइक वीट, ग्रेन भी होता है अनाज जैसे वीट गेहूं है, राइस मतलब चावल है, पल्सिस मतलब दालें हैं, आर कुक्ड अगर हम बनाते हैं बिफोर ईटिंग खाने से पहले हम इनको बनाते हैं कुक करते हैं। मोस्ट मतलब अधिकतर ऑफ द वेजिटेबल, अधिकतर जो सब्जियां हैं अधिकतर जो वेजिटेबल्स हैं आर ऑल्सो हैं कुक्ड, इसी प्रकार से जो है और भी कई सब्जियां अक्सर पकाई या बनाई जाती हैं। कुकिंग फूड बना हुआ कुक किया हुआ खाना, पका हुआ खाना इज इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है एज इट किल्स मारने के लिए द जर्म्स इनसाइड द फूड, अगर आप कोई भी फूड खा रहे हो खाना खा रहे हो कच्चा तो उसमें क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है कीटाणु होते हैं, अगर हम उनको कुक कर लेंगे तो वो क्या होते हैं मर जाते हैं किल हो जाते हैं। इट मेक्स ये बनाते हैं द फूड खाने को ईजिली मतलब आसान, सॉफ्ट बनाते हैं, अगर हम खाना पका लेते हैं तो वो सॉफ्ट बन जाता है एंड टेस्टी, और कैसे बन जाता है टेस्टी बन जाता है इन ऑर्डर टू टेस्ट, टेस्ट के रूप में अंदर फ्लेवर भी जो है उसका अच्छा आता है स्वाद, टू द फूड खाने का डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इंग्रेडिएंट आर यूज्ड, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है आप जो खाना बनाते हैं खाने में आप जो चीज़ें डालते हैं जैसे सॉल्ट है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें आप डालते हो तो वो फूड इंग्रेडिएंट कहलाते हैं, ऑयल वगैरह आप डालते हो तो वो क्या कहलाएंगे आपके फूड इंग्रेडिएंट, ठीक है यहाँ तक। तो इस प्रकार से इस इंग्लिश को पढ़िएगा, थोड़ा स्पीड लाओ पढ़ने में, जैसे बी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड, सम फूड आइटम कैन बी ईटन रॉ एंड व्हाइल अदर्स हैव टू बी द कुक्ड टू मेक देम सॉफ्ट एंड एडिबल, एडिबल बी ईट सम एडिबल विदाउट कुकिंग फूड्स, नट्स एंड द वेजिटेबल्स सच एज द रेडिश कैरेट कुकुम्बर कैबेज एंड द ऑनियंस,
can be eaten raw. We should wash and the wheat fruits and vegetable before we eat them. All grains like the wheat, rice, pulses are cooked before the eating. Most of the vegetable are also cooked. Cooking food is important as it kills the germs inside the food. It makes the food easily soft and tasty in order to the taste and flavor to the food. Different type of the food ingredient are used.